khara ami bhad dosi daya kar sikha prati asra sab sai bhagati pavale pai satana nikai aachar sanatana vatar gunai bhat jugat jiva hat bhulat nata daya kar si acharya prabhu si nivas ramachandra sangama narutam das daya kar prabhu pad sridhai sadas vaishnavera sangama adham das कृपा कर गुरुदेव पतित पावन चरण सेवा मागे पतित जन गौरंग बोलते हवे फूल कर शरीर हरि हरि बोलते नयन भवे वीर हार कवे नितय चंद्र करुणारी संसार वासना प्रार्थना कर गौरा चंद बोले कत निद्रा जाओ माया पिता के अपोले अजीब बोलिया ऐसे संसार विकारी बोलिया रही ले तुम्हें अभिचार बोले तुम्हारे लाई से आमी है तुम अवतार आमी बिना बंधु बोलते आज तुम्हार एने की औषधि माया ना तुरार लागी हरि नाम महामंत्र लक्ष्मी राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल मोहित दामोदर राति हरिधन बेते हरि निस्फुट वृंदावति नेते कृष्णानुदासी नव सति लेके ललिता सती गुण रमित विशाति करुणा गुरु मही करुणा भरित कनक सनत नवनित चरित आदि हरि कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरि हरे सीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि सीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में मैं अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ।
तत्पश्चात परिशिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायुक्त प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने एक ग्रंथ प्रकाशित किया है जिसका नाम है सिक्खास्तकम। ये सिक्खास्तकम जो ग्रंथ है श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं कभी राधा कृष्ण दोनों मिलकर के ये इनका एक रूप है। इसलिए शास्त्र में बताया राधा भाव है राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात देकात्मना भूमि पुरा देह भेद गौतौ चैतन्याख्य प्रकट मधुना तद्वयम चैकमाप्तम राधा भाव दुत सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूप। बोलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहते राधा कृष्ण प्रणय विकृति। बोले राधा रानी कौन है? बोलिए और कोई नहीं कृष्ण प्रेम को अगर एक रूप दिया जाए तो श्रीमती राधा रानी। इसलिए कहते अभी वो जो राधा कृष्ण है वो एक कहते राधा कृष्ण ही हो कि कलयुग में कृष्ण ही राधा जी के भाव और अंगकांति लेकर के श्री सचिनंदन गौर हरि रूप में आए। बोले क्यों आए? बोले कारण है जब उनकी द्वापर युग की लीला समाप्त हो गई कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में चले गए एक दिन गोलोक वृंदावन में बैठी बैठी करके सोच रहे बोले मेरे मन में जो कुछ इच्छा थी मैंने सारी इच्छाओं को पूरी की है। मैं भगवान होकर के भी मैंने सख्य रस का आस्वादन भगवान होते हुए भी दुनिया मेरा झूठा खाते हैं लेकिन मैं श्रद्धाओं को झूठा नहीं खाया। दुनिया के कंधे पर मैं चढ़ता हूँ बैठता हूँ। अगर मैं कभी खेलते खेलते हार गया तो सखा लोग कभी मेरे कंधे पर भी बैठे मैं भी घोड़ा बना हूँ। मैं भगवान होते हुए भी मैंने बात्सल रस की आस्वादन किया। मैया के पास में मिनट मिनट में मचल जाता था मैया मेरे को मक्खन खिला दे मिश्री खिला दे। अगर कभी मैंने नटखट किया तो मैया ने मेरे कान को मोल दी और कभी कभी डर से मैंने भी बोल दिया मैया मरी मैं नहीं माँ खन खाए। इसलिए मैंने दुनिया को माया के द्वारा मैंने बांध कर रखा हूँ लेकिन मैया जसोदा की प्रेम से मैं स्वयं मैं भगवान होते हुए भी गोपियों के चरण में प्रेम की भीख मांगी और राधा रानी तो मान करने पर पता नहीं मैंने क्या क्या करना पड़ता था उनकी मांग को मेरे को मनाने के लिए। इसलिए कहते मेरे मन में जो कुछ इच्छा थी मैंने सारी इच्छाओं को मैंने पूरी की लेकिन एक चीज मेरे दिमाग से ऊपर चला गया जो चीज को मैंने आस्वादन नहीं कर पाया। बोले वो क्या है? बोले राधा रानी की जो प्रेम की महिमा क्या है जिन प्रेम को देख करके मुझे स्वयं चमत्कृत हो जाता था। राधा जी के हृदय में जो दिव्य दिव्य भाव प्रकट होता था स्नेहा मान प्रणय राग अनुराग भाव माँ बाप दिव्य उन्माद खिलखिल चीत जो तरह तरह का जो भाव जिसी भाव को देख करके मुझे स्वयं चमत्कृत हो जाता था। मैं भी आश्चर्य में पड़ जाता था राधा जी के अंदर में जितनी दिव्य भावना है और मेरे को देख करके राधा रानी भी प्रसन्न होते हैं और राधा जी को देख कर मैं भी प्रसन्न होता हूँ लेकिन मुझे जो आनंद मिलता है उससे करोड़ गुण श्री राधा रानी को आनंद मिलता है। विश्व ब्रह्मांड मेरी गला की आवाज मेरी बंसुरी की आवाज सुन करके विश्व ब्रह्मांड मुग्ध हो जाते हैं लेकिन मैं जब राधा रानी के गले की मीठी मीठी आवाज सुनता था मैं स्वयं मुक्त हो जाता था। विश्व ब्रह्मांड मेरे को स्पर्श करके आनंद अनुभूति करते हैं लेकिन जब मैं राधा रानी को स्पर्श करता था आनंद अनुभूति करता था। सारा दुनिया मेरे को देख करके पागल हो जाते हैं लेकिन मैं जब राधा रानी को देखता हूँ मैं स्वयं पागल हो जाता हूँ।
इसलिए कृष्ण सोच रहे भैया मैंने कैसे ये भाव को मैंने कैसे आस्वादन करूं, बोले जब तक मैं राधा रानी नहीं बन जाता हूँ ना तब तक ये चीज को मैं आस्वादन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव और वो अंग कांति ये दो चीज को राधा रानी से उन्होंने उधार लिया। उधार लेकर कलयुग में कहती है सच्चिनंदन गौर हरि बन करके ये श्री कलयुग में आए और जगत में कृष्ण भक्ति की जगत में शिक्षा प्रदान किया है। इसलिए श्रीमान महाप्रभु उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, केवल उन्होंने 8 श्लोक ही केवल लिखे, केवल 8 श्लोक है। और ये जो 8 श्लोक में जितने वेद पुराण उपनिषद जितने ब्रह्म सूत्र उसका जो सार है ये 8 श्लोक में दे दिया, क्योंकि शास्त्र का जो सार है ना वो भगवान का नाम है। जैसे अभी हम भागवत कथा सुन रहे हैं, बोले ये भागवत क्या है, बोले सर्व वेद इतिहासानाम सार सार समुद्रितम। जितने वेद पुराण उपनिषद है जितने ब्रह्म सूत्र है तथा अर्थायम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप असो वेदार्थ परिवर्णित। यदि जो श्रीमद् भागवत ये अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, गायत्री का भाष्य है, महाभारत का सार है, ये वेद का सार क्या, बोले ये भागवत है। कत्तत रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिकुचित। अगर कोई भागवत का रस का आस्वादन कर लेना उसको और किसी चीज में रुचि नहीं रह जाती है, और किसी चीज में रुचि नहीं रह जाती है। लेकिन कहती ये भागवत का फिर सार क्या है, सारे शास्त्र का निचोड़ तो भागवत है। कहती ये भागवत का सार क्या, बोले भागवत का सार ठाकुर जी का नाम। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी आरंभ करते हैं वो ठाकुर का नाम से ही आरंभ करते हैं, कहते एतद् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकूत भयम् योगिनाम निर्निर्णीत हरि नामानुकीर्तनम्। कहते जो संसार से मुक्त हो गए हैं और जितने सार शास्त्र का निचोड़ और जितने योगियों ने सारे सारे शास्त्र को मंथन करके निकाला किया, बोले हरे नामानुकीर्तन, हरि का नाम कीर्तन ही जीवन में यही सार है। और भागवत जब समाप्त होता है अंतिम श्लोक में भी कहते हैं नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि पर। अंतिम समय भी यही कहते हैं नाम संकीर्तन के द्वारा ही सारे पाप इसी से ही नष्ट होगा। इसलिए सर्व पाप प्रणाम दुख समनम तम नमामि हरि परम। दुख जो समन है केवल ये प्रभु का नाम है, प्रभु का नाम से ही जीवन में सारे दुख कष्ट प्रभु का नाम से ही दूर होगा और कोई उपाय नहीं। इसलिए जितने सारे शास्त्र पढ़ो उसमें एक ही सार निकलता है भगवान का नाम। इसलिए गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, बोले सर नाम क्या चीज है, गुरुदेव कहते थे जब श्री रामायण ग्रंथ वाल्मीकि ने लिखे, बोले इसमें 1000 श्लोक है। अभी 1000 श्लोक को लेकर के अभी देवता दैत्य मानव में लड़ाई होगी, देवता बोले हम लेंगे, मानव बोले हम लेंगे, और श्री दैत्य बोले हम इसको लेंगे। अभी तीनों में लड़ाई हुई, लड़ाई हुई तो भाई भैया लड़ाई मत करो, ये ग्रंथ है जिसका उनको पास में चलो। बोले किसके, बोले श्री शंकर जी के, क्योंकि शंकर जी सर्वप्रथम अपना हृदय में ये रामायण भी कर रखे, उसको बाद में जो कुछ लिखे जैसे श्री वाल्मीकि जी ने लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी, कहते नहीं मूल ग्रंथ से शंकर जी थे, शंकर पहले हृदय में रचना करके हृदय में रखे ये ग्रंथ को, पार्वती को सुनाए। इसलिए बोले शंकर जी को पास में चलो, शंकर जी बोले भैया लड़ाई से कोई लाभ नहीं, तीनों बैठ जाओ, बंटवारा कर देता। अब उन्होंने 1,00,000 श्लोक बंटवारा करवाए, पहले तो 30,000 दे दिया, कितना रह जाएगा 10,000, 1,000 को 300 दे दिया रह गया 100, फिर 30 दे दिया रह गया 10, 3 दे दिया रह गया 1। कहते 1 श्लोक में 4 चरण,
अरे चार ही चरणों को एक चरण एक चरण एक चरण दे दिया, रह गया एक चरण। बोले एक चरण में आठ अक्षर है, जैसे धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र समवेत जुजुस्सव, ये एक है। इसलिए एक चरण को आठ श्लोक, फिर उसको बंटवारा करवाया, दो आठ अक्षर है, दो अक्षर दो अक्षर दो अक्षर दे दिया और रह गया केवल दो अक्षर। बोले ये दो अक्षर क्या है? बोले कृष्ण व राम है। शंकर जी ने कहा देखो मैंने इतने परिश्रम किया, अब ये परिश्रम का फल भी तो मुझे कुछ मिलनी चाहिए, ये दो अक्षर मुझे दे दो। फिर उन्होंने अपना कंठ में वो दो अक्षर को धारण कर लिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जय जपत महेशा काशी मुकति हेतु उपदेशा। इसलिए शंकर जी कहते पंचमुखे राम नाम कान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में हर समय भगवान का नाम ही जप करते हैं। एक बार हाथ उठा कर बोला, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जितने शास्त्र का सार निचोड़ ठाकुर जी की, नाम ही शास्त्र का निचोड़। अगर हमने सारे शास्त्र पढ़ लिया, सारे शास्त्र को सुन लिया, अगर हमारी प्रभु का नाम में रुचि नहीं हुई तो जीरो है। सब पढ़ाई पढ़ाई सब कुछ जीरो है। आप देख लेना जीवन में जो कुछ करना करो जिंदगी भर, लेकिन अंतिम समय समय जब आएगा शरीर ही छूटेगा, जब कंधे पर चार व्यक्ति ले जाएंगे क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बाज उठाए। बोले भैया जितने राम का और कृष्ण का नाम लिया वही सच्चा, और जो किया सब झूठा। जब वो सच्चाई है पर जीवन रहते हुए क्यों नहीं करते? बोले जीवन रहते हुए फिर सच्चाई को क्यों नहीं करते हैं और झूठे भी क्यों लगे हैं? इसलिए कहिया भैया सारी चीज को छोड़कर क्या करो? इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले पहला यही महामंत्र, यह जप गया सबे करिया निर्बंध, यह इते सर्व सिद्धि है वे सवार, सर्व क्षण बोले इते विधिना यह। महाप्रभु कहते हैं मैंने तुमको ये हरिनाम दिया है और ये हरिनाम को नियमित करके हरिनाम को जप करो, इसी हरिनाम से ही तुम्हें भगवत प्राप्ति कृष्ण प्रेम प्राप्ति इसी हरिनाम से ही तुम्हें मिलेगा। और सर्वक्षण बोलो इतने विधि ना यार, मतलब इसमें कोई नियम नहीं है, पवित्र अपवित्र स्नान किया नहीं किया इसमें कोई विधि विधान नहीं, हर समय तुम भगवान के नाम को ले सकते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया सुलभम भगवत नामम जीवा च बसवर्तिनी, भगवान अपना नाम को इतनी सुलभ कर दिया, कोई पैसा की जरूरत नहीं, कोई कष्ट की जरूरत नहीं। जीवा च बसवर्तिनी, जीवा हमारे अधीन में है, जीवा को जो बोलेगे तो वही बोलेगा ना, लेकिन तथापि नरक को जानते कि तब भी ये जीव नरक जा रहे हैं। बोले इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? तभी जीव नरक जा रहे हैं, इससे आश्चर्य क्या हो सकता है? इतना सुलभ कर दिया तब भी इसको छोड़ करके इधर उधर जीव भटक रहे, इधर उधर थोड़ा ये कर ले थोड़ा ये। भैया बोले कोई कुछ करने का जरूरत नहीं। इसलिए शास्त्र में बताया हरे नाम हरे नाम वही वो केवलम, केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, नास्ते व नास्ते व नास्ते व नहीं नहीं नहीं, कोई और गति नहीं हरि के नाम के बगैर। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? भगवत नाम में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, ठाकुर का नाम का प्रति निष्ठा करो। इसलिए सवेरे उठ करके नहा धो करके पहले ठाकुर का माला जप करो हरि नाम, क्योंकि यही जब जाएगा सब कोई बात झूठा है, पर झूठे चीज में इधर उधर क्यों भटकते हैं? हम चाहते थोड़ा उसको पूजा कर ले, थोड़ा उसको पूजा कर ले, थोड़ा उसको, भैया किसको पूजा करने का जरूरत नहीं, भगवान के नाम को पूजा करो। जब यही जाएगा तुम्हारे साथ में इधर उधर क्यों भटकोगे? यही तो बोलेगे ना, हैं तो इधर उधर क्यों भटकेगे?
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने एक ही ग्रंथ लिखे जिसका नाम सिक्षाष्टकम। सिक्षाष्टकम उन्होंने आठ श्लोक को लिखे, जो आठ श्लोक है ये भगवान का नाम जप कैसे करनी चाहिए, नाम जप करने का विधान क्या है, है? कैसे जप करने से ये नाम हमें भगवत प्राप्ति कराएगा और हरिनाम करने से तुम्हें मिलेगा क्या। पहले तो हम ये सोचने लग जाते हैं कोई किसी फायदा होना सबसे पहले वहीं पर जाएंगे हम, है ना। अगर कोई काम करने पर हमें महीना में 10 लाख रुपया प्रॉफिट होगा फिर वो काम को हम करेंगे। हम तो कलयुग का जीव है, बिना लाभ से कुछ करना नहीं चाहेंगे हम। पहले सबसे पहले देखेंगे भैया हमको मिलेगा क्या, सबसे पहले ही देखते हैं ना हमें क्या लाभ होगा ये काम करके। कलयुग का जीव है ना, पहला अपना बेनिफिट को सोचता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि नाम करने से क्या मिलेगा तुम्हें, तुम्हें क्या मिलेगा। इसलिए उन्होंने केवल आठ श्लोक में ये सब बात बताए, और उसका जो पहला जो श्लोक है एक श्लोक में क्या लाभ है इसको बता रहे। हाँ देखो आज हम एक श्लोक सुनेंगे। पहला श्लोक है बोले चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्पापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्वप्न परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कहते भगवान का नाम रूपी कीर्तन करने से एक श्लोक में बताया तुमको सात फायदा होगा। कितना फायदा होगा? सात फायदा होगा। बोले पहला फायदा क्या है? बोले चेत दर्पण मार्जन। यहाँ पर उदाहरण दिया हमारा जो चीता जो हृदय है वो एक शीशा है, लेकिन अभी ही अनादिकाल से हम भगवान को भूल करके बोले जीव कौन है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो जीव है वो ईश्वर का अंश, इसलिए जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यता। हमारा जो स्वरूप है हम सबके सब भगवान का सेवक है, भगवान का दास है, लेकिन हमने भगवान को भूल चुके हैं। इसलिए मथुरा में आप लोग मथुरा गए हो कौन कौन? मथुरा में गुरुदेव ने एक सुंदर फोटो बनाया, बड़ा प्यारा फोटो है। एक तरफ में दिखाया माया की जगत और एक तरफ में दिखाया भगवत जगत दोनों, और एक बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। जिधर माया की जगत दिखाया वो दिखाया पूरा अंधकार अंधकार, और उधर भूत पिशाच डाकिन साकिन शेर चित्ते उस तरफ में, उधर एक माया खड़ी हुई। वो माया बुला रही भाई तू इधर आ जा, इधर आ जा, देखो मैं कितने प्यारी हूँ कितने सुंदर हूँ। वो माया इधर बुला रही हूँ। दूसरे तरफ में इधर अंधकार अंधकार, दूसरे तरफ में प्रकाश प्रकाश। उधर एक साधु खड़ा हुआ है। वो साधु कहते भैया तू इधर चले आ, देख सीधा ये रोड ठाकुर जी के पास में गया, गोलोक वृंदावन गया। अगर ठाकुर जी के पास में जाओगे ना आनंद ही आनंद है, रसी रसे सुख ही सुख है, वहां पर दुख नाम का कोई चीज है ही नहीं, वो आनंद ही आनंद है, प्रभु का धाम है। एक तरफ में साधु बुला रहे हैं, एक तरफ में माया बुला रही है। कभी जी इधर देखता है, माया कहती देखो कितना सुंदर है हाँ तो इधर आ जा। कभी इधर देखता है, साधु कहते भैया उधर मत जा, देख रहे हो ना कैसे अंधकार अंधकार भूत पिशाच खड़े हैं, जिंदा जिंदा खा जाएंगे, माया में फंसना नहीं। ये साधु कहता भैया देख इधर प्रकाश ही प्रकाश, अगर इधर आओगे ना सीधा ठाकुर जी के पास में जाओगे फिर दो बार जगत में आना नहीं पड़ेगा। कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर देखता, लेकिन लास्ट में वो माया में ही छलांग लगाता है, वो भगवान का प्रति नहीं जाता है। वो देखता है इधर आनंद ही आनंद है, लेकिन तब भी वो आनंद में नहीं जाएगा, वो जाएगा माया में जाएगा। अभी प्रश्न है फिर वो माया में क्यों गया? वो देख रहा है उधर दुख कष्ट है। जैसे कि सोने का कलसी हो ना, हाथ उसको डुबाओ तो देख रहा उसमें जहरी जहरी। ये संसार ऊपर में देखने में बड़ी सुहावना लगता है, बड़ी प्यारी लगती है, हैं? बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन उसमें छलांग लगा तो दुखी 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 उसमें। हाँ कहते ये संसार नहीं है रहने का, ये दुख ही सहने का।
दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इसलिए अभी प्रश्न है, फिर जीव माया में क्यों छलांग लगाया? बहुत कम जीव है जो ठाकुर जी की तरफ में जाते हैं, अक्सर करके जीव माया में जाते हैं। प्रश्न फिर क्यों, कारण क्या? बोले कारण बताया, जो जीव है वो क्षुद्र है, छोटा है, और जो माया की जो शक्ति ज्यादा है, इसलिए माया शक्ति को सामने जो जीव शक्ति छोटा बढ़ जाती है, इसलिए आसानी से उसको दबोच लेती है, उसको पकड़ लेती है। इसलिए पकड़ करके फिर क्या किया, फिर माया ने उसको दो पोशाक पहना दिया। कहते एक स्थूल लिंग शरीर और एक स्थूल शरीर। लिंग शरीर किसको कहते हैं? कहते मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये एक पहले उसको कपड़ा पहना दिया। फिर दूसरी कपड़ा क्या पहना दिया? बोले खिति आप तेज मरुद वो, मिट्टी वायु अग्नि जल और आकाश, ये जो शरीर है अंदर में एक सूक्ष्म शरीर और ऊपर जो ये स्थूल शरीर है, उसको दो ड्रेस पहना दिया। बैठा करके उसको क्या किया, माया ने फेंका उसको माया में। वो माया को भोग करना चाह रहे हैं ना, बोले जाकर देख ले क्या मज्जा, वहां पर जाकर देख ले तो मेरा सेवा नहीं करोगे ना। फिर माया में जीव को डाल दिया तो जीव अपनी आप को भूल गया। अगर हम पूछेंगे भैया तुम्हारे नाम क्या, हम बोलेंगे हम कोई नहीं नाम, बोले ये मेरे पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरे मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी संसार है। जीव अभी जो असली परिचय है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमल चेतन सहज सुग्रह, ये परिचय नहीं देता है। भगवान का सेवक ये परिचय नहीं देता है, वो झूठा परिचय देता है। बोले भैया ये कब से बने ये परिवार, तो कब तक रहोगे, कब तक रहोगे? पर पिताजी के पिताजी गए कहाँ, अगर होता तो सब चले गए क्यों छोड़ करके। ये आ करके झूठ मूठ का परिचय देना शुरू कर देता है, क्योंकि असली जो स्वरूप को भूल गया, ठाकुर जी के स्वरूप को भूल गया। हम ठाकुर जी के संतान हैं, भगवान की औलाद, इसको पूरा भूल गया। अभी केवल झूठे झूठे केवल परिचय अपना, झूठा झूठा परिचय दे करके संसार में, और ये 84 लाख जन्म में जीव भटकता रहता है संसार में, जीव भटक रहे हैं कभी अपने आप भूल कर। हाँ, यहाँ प्रश्न होता है, फिर भैया हम जो भगवान को भूल गए, ठाकुर जी को भूल गए, अपना स्वरूप को भूल गए, अभी इसको फिर आएंगे कैसे अपना सही स्थान पर, अभी हम आएंगे कैसे? तब श्री चैतन्य महाप्रभु इसका रास्ता बता रहे। अगर तू अपने स्वरूप को पहचानना चाहते हो, असली स्वरूप को, फिर तुम क्या करो, भगवान के नाम को जप करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर तुम अपना असली स्वरूप में आना चाहते हो, भगवान के नाम को जप करो। इसलिए पहला लाभ बताए, चेत दर्पण मार्जनम, ये जो चित्रूपी जो दर्पण है ना, उसमें बड़ी कितने जन्म से इसमें धूल जमते जमते जा रहा, जमते जमते इतने धूल उसके ऊपर जम गया है। अगर शीशा को देखो ना, उसमें मुंह नहीं दिखता है, बोले क्यों, धूल जमा हुआ है। जैसे कपड़े में अगर कोई धूल जमा हुआ महिला, उसको तो साबुन सोडा से साफ कर दो, लेकिन हृदय रूपी चित्त में जो तुम्हारी महिला जम गई, उसको कैसे दूर करेंगे? वहां तो साबुन सोडा काम नहीं करेगी, वहां क्या काम करेगा, ठाकुर जी का नाम। हाँ, ठाकुर जी की अगर नाम जप करोगे धीरे 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 धीरे, आस्ते आस्ते तुम्हारे जो चित्त है साफ होते जाएगी, धीरे धीरे ये साफ होते जाएगी। जब साफ होते जाएगी, एक दिन यही हरि नाम करते 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 फिर अपने आप को पहचान सकते हैं। हम अपने आप को फिर पहचान सकते हैं, हम कौन हैं? बोले हम साधारण नहीं, हम अमृत सपुत्र, हम भगवान की संतान है, ठाकुर जी की हम औलाद है। इसलिए तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधु स सखा, तुमेव तुमेव विद्याम द्रविण, तुमेव तुमेव सर्वम मम। फिर भगवान ही हमारा सब कुछ है, ठाकुर ही हमारे पिता माता भाई बंधु। फिर ये चीज को फिर हम पूर्व स्थिति में आत्म स्थिति में
फिर हम आ सकते हैं। इसलिए पहला लाभ है हरिनाम करने से हृदय रूपी जो चीत है ये हमारी साफ हो जाएगी। बोले दूसरा लाभ क्या है, बोले भव महादावाग्नि निर्पाप। उन्होंने उदाहरण दिया कि जो संसार है भव, कितना भव सागर, भव शब्द कहाँ से आया, बोले भू धातु। हाँ ये संस्कृत शब्द, भू मतलब होना, भू मतलब होना। बोले पुनरअपि जन्म हम पुनरअपि मरण, संसार में फिर जन्म हो रहे फिर मर रहे, फिर जन्म हो रहे फिर मर रहे, फिर जन्म ले रहे फिर मर रहे, इसको इसलिए कहते भव सागर। बोले जन्म मृत्यु माला में हम पड़े हुए, और ये जगत में आने पर वो जितने बड़े पैसा वाला क्यों नहीं हो और जितने बड़े गरीबी क्यों नहीं हो, उसको सात तरह का दुख भोगना ही पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं हमारे पास में पैसा है हम इसे भोगेंगे, बोले नहीं किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको ये सात तरह का दुख भोगना पड़ेगा। बोले भैया सात तरह का दुख किया, पहला नंबर वृद्ध होना। बोले जितने चवन प्राश खा लो, जितने भस्म सोने की भस्म खा लो, जितने जीव में चले जाओ, कोई बोल सकता है बुढ़ा नहीं बनेगा जगत में, कोई बोल सकता है बूढ़ा नहीं बनेगा, इतने सबको बूढ़ा बनना पड़ेगा। और जीवन में जो बुढ़ापा सबके दुख, इससे ज्यादा दुख और कुछ नहीं है, बुढ़ापा जितने दुखदायी। अब देखना उदाहरण दिया भागवत में, जैसे बैल, बैल जब तक काम करता है ना देखना किसान, तब तक उसको खाना खिलाएगा, तब तो उसको आदर जत्न करेगा, लेकिन बैल जब काम नहीं कर पाता है ना देखना, उसको सामने जैसे तैसे कोई चीज रख ले उसको पूछेगा नहीं। ये संसार बड़ा विचित्र है, संसार बड़ा विचित्र दुनिया है, हैं? जब तक तुम्हारी समर्थ है तब तक तुमको तो देखेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप देखे होंगे बुढ़ापा उम्र में सारे इंद्रिया शिथिल हो जाती है, काम नहीं कर पाती, लेकिन मन बुढ़ा नहीं होता है, इंद्रिय बुढ़ापा होता है, मन तो हर समय चंगा है, हैं? इच्छा करने पर भी हर चीज को भोग नहीं कर पाता है। आप देखे होंगे बिस्तर में साल साल तक कोई पड़े रहते हैं, उसमें पायखाना उसमें पेशाब करते रहते हैं, हाँ उसमें करते रहते हैं, उसी समय परिवार इतने निगलेक्ट करता, बोले कब मरेगा, सारा दुनिया कहती है कब मरेगा, अगर मरेगा नहीं तो उसके लिए सेवा पूजा करना शुरू कर दे तो भैया कैसे जल्दी शरीर छूट जाए। ये दुनिया बड़ा आश्चर्य दुनिया है, जगत में कोई बोल सकता है बुढ़ापा नहीं बनेंगे, कोई है कोई बोल सकता है बुढ़ा नहीं बनेंगे, तो जीवन में सबसे ज्यादा दुख है बुढ़ापा है। दूसरा नंबर है बोले जन्म, बोले जन्म कैसे दुख है, हम तो कहते हैप्पी बर्थडे कहते हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, बोले जन्म कैसे दुख है। इसलिए भागवत में भगवान अपना माँ को कहते, बोले माँ जैसे देखना बच्चा जब जन्म लेता है रोता है, देखा ना रोता है, बोले क्यों रोता है बच्चा, क्यों रोता है जन्म लेते, क्योंकि उसको गर्भ में इतने कष्ट हुआ, टाटी पेशाब खून पीर का थाली में उसको नौ महीना रहना पड़ा, वहां से हिल डोल नहीं सका, इतने पेट में गर्मी, रसगुल्ला खाओ तो दूसरे दिन बिष्टा बन करके आता है, इतनी गर्मी पेट के अंदर में छोटी सी जगह पर हिल डोल नहीं पाता है, और जब माताएं चटपट चीज गर्मी चीज खाते हैं उसको शरीर में लगता है, इसलिए बड़ा कष्ट उठाया। भगवान कहते हैं माँ पेट में आना नरक में आना बराबर है माँ, हैं? इसलिए मातृगर्भ को नरक बताया, टाटी पेशाब खून पीक थली में उसको रहना पड़ता है, इसलिए जन्म होते ही रोता है। क्यों रोता है, बोले हम ये दुख नहीं चाहिए और माँ की पेट में जाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए वो बच्चा जोर जोर से रोता है जन्म लेते हैं। लेकिन एक दिन सबको माँ पेट में जाना ही पड़ेगा, हैं? इसलिए जन्म बोले मृत्यु, कोई बोल सकता है मैं मरूंगा नहीं, दुनिया में कोई है जो बोलेगा मरेगा नहीं, सबको मरना पड़ेगा। देखना मरने का नाम सुनते ही हम घबरा उठते हैं, हम नहीं मरना चाहते, बोले क्यों, हम क्यों नहीं मरना चाह रहे हैं, इसका कारण बताया मरते समय, उदाहरण दिया शास्त्र में, एक बिच्छू अगर किसको काट देना बड़ा यंत्रणा असह्य यंत्रणा होता है, लेकिन एक साथ में जब 10,000 बिच्छू जब एक व्यक्ति को काटते हैं उसमें जो यंत्रणा ये मरते समय वो यंत्रणा, इसलिए जन्म जन्म से उसके अंदर में बैठा हुआ है ये चीज, क्योंकि हर जीवन में मरता है जन्म लेता है बैठा हुआ है हृदय में, इसलिए मरने का बात सुनते ही घबरा, भैया हम मरना नहीं चाहते लेकिन मरना पड़ेगा है? फिर व्याधि, व्याधि मतलब होता है बीमारी, कहते साइंस जितने नई नई दवा निकाल क्यों नहीं दे, देखना नई नई बीमारी आ रही, नई नई बीमारी
जितने नया मेडिसिन आता है इतना नए नए बीमारी जगत में आ रही है, सबको बीमारी भोगना पड़ेगा। ये चार है और तीन है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब होता है मानसिक कष्ट है, इस सभी बीमारी का कोई ना कोई दवा, लेकिन जो मन का बीमारी है ना इसका कोई दवा नहीं, इसका कोई भी दवा नहीं। और सभी का अंदर भी मानसिक कष्ट है, बेटे से कोई दुखी, बहू से कोई दुखी, पत्नी से कोई दुखी, संसार से कोई दुखी, तन से कोई दुखी, मन से कोई दुखी, पड़ोस से कोई दुखी, परिवार से कोई दुखी। आप देखना कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। इसलिए मानसिक कष्ट सभी को, कोई नहीं बोल सकता हमारे अंदर में कोई मानसिक कष्ट नहीं। दूसरा है देवता को द्वारा दिया कष्ट, जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो गई, भूचाल आ गई, गर्मी बढ़ गया है, कोई फ्लू आ गई, कोई नई बीमारी आ गई, कभी ये देवता को द्वारा है। और एक आदि भौतिक, भौतिक मतलब है एक जीव से दूसरे जीव को जो कष्ट होता है, मच्छर काट दिया, सांप काट लिया, परिवार में लड़ाई हो गई, पड़ोसों से लड़ाई हुई, उससे नहीं बनती, उससे नहीं बनती, देश देश में लड़ाई, जाति जाति में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, एक जीव से जो दूसरे सुख दुख है, कभी इसको कहते हैं आदि भौतिक। कभी सबको भोगना पड़ेगा, बोले भैया ये कष्ट कैसे जाएगी, ये कष्ट कैसे जाएगी, बोले भैया जो कुछ कर लो ये कष्ट जाने वाले नहीं, तुमको ये भोगना आ ही पड़ेगा। लेकिन कहते हैं केवल एक चीज से ये सारे दुख जाएगी, भगवान के नाम से, केवल ठाकुर जी के नाम से ये दुख जाएगी, और किसी को और कोई उपाय नहीं है। इसलिए बोले भव महादावाग्नि निर्वापणम। निर्वापणम का मतलब होता है कि जगत में जैसे कोई एक दुख है, हम किसी तरह से दुख का हल कर दिया, देखना दूसरे दुख आ जाता है, कोई वो दुख का हल कर दिया, बोले तीसरे दुख आ जाती है, और एक दुख का हल कर दिया, और एक दुख, देखना दुख के ऊपर दुख आती रहेगी, वो दुख खत्म नहीं हो रही है। एक उदाहरण दिया, देखो ये चीज को अच्छे तरह समझो, जैसे यहाँ पर तुम्हारी कोई फुड़ा हो गई, आपने उसके ऊपर मलम पट्टी कर दिया, देखना दूसरे जगह पर फिर फुड़ा निकलेगा, तीसरा जगह पर मलम पट्टी, फिर चौथे जगह पर फुड़ा निकलेगा। बोले क्यों, बोले उसका जड़ को देखो, फुड़ा क्यों हो रहा है, ऊपर से मलम पट्टी करने से तो दर्द नहीं जाएगी, बोले क्यों, माने जो ब्लड है वो खराब हो गया। अगर ब्लड को सही कर लो ना, ब्लड को सही कर लो, बस अपने आप कोई फोड़ा ही नहीं होगा, लेकिन फोड़ा को केवल ऊपर केवल मलम पट्टी करते जाओगे, वो यहाँ से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे फोड़ा, पूरा शरीर में निकलते जाएगा, पूरा शरीर निकल जाएगा। हाँ, इसलिए यहाँ पर कहते हैं जड़ को देखो, ये दुख का कारण क्या है, पहुंचो। शास्त्र में बताया दुख का केवल एक ही कारण है, जी भगवान को भूल गया। हम भगवान की संतान हैं, हमने उनकी सेवा भक्ति छोड़ दिया, इसलिए ये माया संसार में हमें दुख कष्ट देते रहा है। जब तो उसकी शरण में तुम नहीं जाओगे, दुनिया की जितने जो कुछ कर लो, एक बात में दूसरे दुख। हनुमान जी को देखो, आप तो दुख तो दूर किया, सब सभी का दुख दूर करते हैं। बोले हनुमान जब नाम सुना पिशाची क्या नहीं आवे, ये है ना उनके निर्वापण का मतलब क्या है, जैसे कहीं आग लग गई फिर बुझा दिया, फिर भी तो आग पकड़ सकती है, लेकिन उसी तरह दुख गया फिर दुख आएगा, लेकिन ऐसे कौन सा काम है। निर्वापण मतलब होता है निश्चित रूप में खत्म, जो दुख फिर दोबारा आएगी नहीं, कहते क्या करने पर, बोले भगवान की नाम जप करने पर। इसलिए एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलो सबके साथ, बोले हरे कृष्ण मतलब कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री सत संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की। बोले तीसरा लाभ क्या है, बोले विद्या बधो जीवनम चैत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। बोले श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, कहते एक श्रेय है और एक प्रेय है, दो चीज है, क्या है, एक श्रेय है और एक प्रेय है।
खैर जो प्रिया है ना वो पहले पहले तो अच्छी लगती है लेकिन ये बाद में दुखदायी। खैर जो श्रेय है वो पहले अच्छा नहीं लगता है लेकिन बाद में सुखदायी। बाद में जैसे एक बच्चे को बोलो भाई अब मन लगा पढ़ो तुम तुम्हारा भविष्य बनेगा लेकिन बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है उनको इच्छा का तो भैया खेलते कूदते पिता माता हमको जोर जबरदस्त कर रहे पड़े पेपर आ गया बैठो पढ़ो नहीं तो एग्जाम फेल हो जाओगे इतना नंबर लानी चाहिए। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते पिता माता क्या करते खुद बैठे करके उसको पढ़ाते ट्यूशन में लगाते क्यों पहले तो उसको कष्ट लगता है लेकिन बाद में बस जब CA कर लेगा डॉक्टर इंजीनियर कर लेगा बस बैठे बैठे पैसा कमाए। लेकिन अभी बच्चों को क्या अच्छा लगता है पढ़ाई नहीं अच्छी लगती है खेलना बच्चों को खेलना अगर अभी तो ही अच्छी लगती है अगर बच्चे अगर खेलते रहे लिखाई पढ़ाई नहीं कर क्या होगा जिंदगी भर मजदूर करेगा जिंदगी भर मजदूर करके रिक्शा चलाएगा जिंदगी भर। लेकिन जो बचपन में पढ़ लेगा अच्छे तरह से पढ़ लेगा बात जिंदगी भर कलम पकड़ करके कंप्यूटर में बैठ करके लाख लाख रुपया कमाएगा आनंद में रहेगा। इसलिए कहते हैं एक श्रेय है और एक प्रेय है। इसलिए कहते जो प्रेय है पहले तो अच्छी लगती है लेकिन बाद में दुखदायी। लेकिन जो श्रेय है पहले तो लगती है बुरा लेकिन लास्ट में आनंद। उसी तरह देखो भगवत नाम करने के लिए किसको बताओ किसको इच्छा करेगा टीवी देखो 3 घंटा सीरियल देखते कर बैठ बैठ कर आग फाड़ फाड़ देखो उल्टा पुल्टा गद्दी झूठ मूठ का लेकिन बाद में तो दुखदायी है। लेकिन भगवान ये मानव शरीर दिया हमें लेकिन बैठ कर गप्पे मारो तो ना घंटा घंटे तक बिताते थे उसकी निंदा उसकी चुगली करते करते लेकिन बोलो थोड़ा हरिनाम का मन नहीं करता प्रभु का भजन मन नहीं लगती है। लेकिन अगर जीवन में प्रभु का नाम अगर कर लिया भजन कर लिया जिंदगी में प्रभु का हरिनाम रूपी धन को कमा दिया ना इसलिए मीरा कहती है ना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोल का दी मेरे सदा गुरु कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहते चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे दिन दिन बढ़ता सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन ही मिलेगा अरे यही जीवन में सुखी होगी लेकिन इसको बोला हरिनाम करके मन नहीं लगता मन नहीं लगे हरिनाम में मन बैठेगा नहीं उसमें। लेकिन श्री रूप गोस्वामी एक अच्छी बात कहते उदाहरण देते जैसे मिश्री है आप लोग मिश्री खाए हो कौन कौन मिश्री खाए हो बताओ मिश्री खाने में मीठा लगता है ना कड़वी लगती है मीठा लगता है लेकिन किसी किसी को मिश्री कड़वी भी लगता है बता सकते हो किसको मिश्री कड़वी लगती हाँ बोला हाँ जिसको पीलिया हो गया जंडिस का बीमारी हो गई ना वो मिश्री उसको मीठी नहीं लगी उसको कड़वी लगेगी। लेकिन पहले इतना दवा नहीं होता था डॉक्टर बोलते देखो तो मिश्री चूसा करो लेकिन मिश्री तेरे को मीठा नहीं लगी कड़वी लगी बोले क्यों अभी तरह पीलिया हो गया जंडिस हो गई लेकिन मिश्री छोड़ना नहीं चूसते रहना और चूसते जब ये कड़वा खत्म हो जाएगी ना अरे मिश्री इतना मीठा लगने लग जाएगी फिर तुम्हें छूटेगी नहीं। कहते उसी तरह जो भगवान का जो नाम है बोले मधुरम मधुरम मितत मंगल मंगला नाम सकल निगम बल्ली सत्फल चीत स्वरूपम सकृत परिगीतम श्रद्धया हलयवा भृगुवर नर मात्र तारे ते कृष्ण नाम। ये जो कृष्ण नाम को बताया मीठे से भी मीठा है ये मधुर से भी मधुर इससे दुनिया में कोई मीठा नहीं हो सकता इतने मधुर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं तुंडे तांडव निमित विथल होते तुंडावली लब्ध है कर्ण करड़ो कड़मिन घटे कर्णाप देव क्रिया। वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता ही नहीं बोले क्यों बोले भगवान का नाम में इतने मीठा उनने दो ही कान क्यों दे दिया बोले करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिया बोले एक जीवा क्यों दे दिया खरबुद्ध क्यों जीवा नहीं दे दिया है उनको तो सृष्टि करना आता ही नहीं इतने कृष्ण नाम मीठा है इतने मीठा है लेकिन अभी हमें मीठा नहीं लगता बोले क्यों बोले हमें जंडी से रोगी हमें पीलिया की बीमारी मतलब क्या जन्म जन्मांतर से हमारे हृदय में
जो अनर्थ है, जो अपराध है, जो अविद्या है, काम क्रोध लोभ, इस हृदय को छा लिया, ढक लिया है, इसलिए ठाकुर के नाम में हमें अच्छी नहीं लगती है। फिर क्या करनी चाहिए? डॉक्टर कहते, बोले भैया अच्छी नहीं लगने पर भी बैठो, माला लेकर के बैठो और जोर जबरदस्ती माला करो। माला करते 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 क्या होगा? धीरे धीरे हमारी अनर्थ अपराध अविद्या धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। जितने खत्म होती जाएगी ना, ठाकुर का नाम उतना मीठा लगने लग जाए, उतना मीठा लगने लग जाए। इसलिए कहते हैं श्रेय और जो प्रेय और जो श्रेय, श्रेय जैसे भगवान की भक्ति अभी तो हमें अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में एकदम आनंद ही आनंद है। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीर दास कहते हैं, दुनिया में जग में मरने में सब डरे। बोले दुनिया में मरने का बात सुनते ना सब डर जाते हैं। बोले क्यों डर जाते हैं? बोले भैया हम मरना नहीं चाहते, पता है ना प्रभु का भजन नहीं क्या मरने के बाद पर डंडा पड़ेगा नरक में, इसलिए डरते हैं, कबीर कहते हैं। लेकिन मेरा मन आनंद है, कहते भैया मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। बोले क्यों? पर दुनिया मरने के लिए डरते तो इतना खुश होता क्यों? बोले जिंदगी भर प्रभु का नाम जप किया ना। कबीर जी का जिंदगी भर मैंने प्रभु का नाम रूपी धन मैंने कमाया, बाद में माली माल मेरे को मिलेगा, है मेरे को पता है, मेरे लिए भैया की व्यवस्था होगी। कबे मरियो कबे भेटियो परमानंद, कब मरेंगे और कब परमानंद से कब हम मिलन होगी? क्यों? भगवान का अगर नाम जप करोगे ना, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। अभी जद्यप लगेगी नहीं, अच्छी नहीं लगती, बाद में मिठाई मीठा, बाद में मिठाई मीठा। इसलिए कहते हैं श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, उदाहरण दिया है, हमारा जो हृदय है ना एक पुष्प है, वो कौन सा? जैसे रात में एक होता है सूर्य का किरण में कमल फूल खिलती है, रात को चंद्रमा की किरण से एक लिली फूल होता है। अब देखे होंगे पानी में जिसको कुमुदनी कहते हैं, रात में वो चंद्रमा का किरण में खिलती है। उनने उदाहरण दिया हमारे जो हृदय है वो एक पुष्प है, लेकिन भगवान का नाम क्या? बोले चंद्रमा। सूर्य का किरण में तो ताप है, लेकिन चंद्रमा का किरण में सुशीतल है। दिन में रात को, दिन में सूर्य किरण में ताप है, लेकिन चंद्रमा किरण में सिद्धता मीठाता कोमलता है। कहते भगवान का नाम में बड़ा मीठा है, बड़ा मधुर है। बोले नाम रूपी चंद्रमा की किरण जब हमारे हृदय रूपी फूल को ऊपर पड़ेगा ना, हमारा हृदय खिल उठेगा, हृदय हमारी खिल उठेगी। मतलब क्या? तुम आनंद में डूब जाओगे, आनंद में भरपूर हो जाओगे प्रभु का नाम जप करने से। इसलिए कहते हैं हृदय रूपी कुमुदिनी के ऊपर में प्रभु का नाम रूपी चंद्रमा किरण, तो हृदय तुम्हारी सुशीतल हो जाएगा, हृदय तब तक हृदय में आनंद की प्राप्ति होगी, है आनंद की प्राप्ति होगी अगर भगवान की, अगर हम नाम जप करेंगे तो। ठीक है ना? अरे विद्याबोध जीवनम आनंदामोध वर्धनम प्रतिपदम पूर्णम, अभी अभी कितना कथा नाम सुने, चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि श्रेय, अभी तीन लाभ सुने, कल सुनेंगे और चार लाभ सुनेंगे। ठीक है ना? आज तो तीन लाभ क्या सुन लिए, और क्या और चार लाभ है, फिर कल कथा में ये चीज भी सुनेंगे। ठीक है? बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे सब तो बोल खाली हो जाते राम हरे राम, राम राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण hari krishna 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 hari hari, hari rama hari rama 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 hari hari, hari bol hari bol hari 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 bol hari hari,
Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari, Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Hari